हमारे सहयोगी सोहित के पास हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। सोहित के बारे में बताया गया कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहित, हम देख सकते हैं कि काफी तेज हवा वहां चल रही है, क्या हालात है, क्या लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है? जी बिल्कुल अखिलेश जी, देखिए लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, तो वहीं जो हवा है वो बीच बीच में बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। अभी भी इससे भी ज़्यादा तेज़ ये हवा होती है अखिलेश सर, और उस समय में गाड़ी से बाहर निकलने में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो तेज़ हवाएँ हैं वो देखने मिल रही हैं, और इसका असर बादल पर भी हो रहा है, और बड़े पैमाने पर बीच बीच में भारी बारिश हो रही है। ये हम मांडवी बीच पर अगर दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर क्योंकि इस सारे इलाके को खाली करवाया गया है, तो यहाँ पर कुछ जो दुकानें थी जो टेम्परेरी बेसिस पर यहाँ पर बनाई जाती हैं, जो लोग बीच पर आते हैं तो उस पर भी वो हवा के वजह से वो दुकानें गिर गई हैं। जो समुद्र का किनारा है, अगर आप मेरे पीछे भी देखेंगे तो पूरी तरह से वो खाली है। उसकी वजह यह है कि लोगों को जो समुद्र किनारे से लेकर 5 किलोमीटर तक जितने लोग हैं सबको यहाँ से हटा दिया गया है, और उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। एनडीआरएफ अलग अलग जगहों पर घूम रहा है, एनडीआरएफ की टीम भी अलग अलग जगहों पर जाकर जो लोग अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं उन्हें हटा रहे हैं। महिलाओं और बच्चों पर और साथ ही साथ बुजुर्गों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और पहली प्रायोरिटी उन्हें ही हटाने की है। तो एक एक कर जो इवैक्यूएशन का काम है वो कर दिया गया है। हमने दोपहर को भी बताया कि यहाँ पर कई सारी जगहों पर बोट्स बनाए जाते हैं, नाव या तो बनाए जाते हैं बड़े बड़े, या तो उसे रिपेयर किए जाते हैं। तो क्योंकि जान माल के साथ साथ लोगों का रोज़गार भी जुड़ा हुआ है, तो लोग भी वहाँ पर टेम्परेरी रैंप बना रहे हैं, जो आसपास की जगह है उसे ऊंचा कर रहे हैं, ताकि अगर पानी का प्रभाव भी पड़ता है तो उससे उनकी जो नाव वहाँ पर बन रहे हैं वो ना टूटे। तो ज़रूर हवा का असर है, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे में इसकी और भी असर यहाँ पर देखने मिलेगा, तो उसमें देखेंगे तो जब हम एनडीआरएफ से भी बात कर रहे थे, उनका ये कहना है कि जब भारी बारिश होगी, जब ये तूफान आएगा, तो हम भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि तूफान 150 किलोमीटर के अगर रफ्तार से होगी तो बाहर निकल पाना मुश्किल है। और एनडीआरएफ हो या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, इसलिए वो पहले ही काम कर रहे हैं, और जो आगे का काम होगा वो तूफान के गुजर जाने के बाद कहीं पर अगर नुकसान हुआ है वहाँ पर लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे। तो ज़रूर तेज़ हवाएँ चल रही हैं, बीच बीच में हवाएं बहुत तेज़ हो जाती हैं, बीच बीच में बहुत ज़ोर की बारिश आती है। देखिए जब हम शुरू किए थे बातचीत तब बारिश हो रही थी, अब धूप आ रही है, तो जो माहौल है वो पल पल बदलता जा रहा है। लेकिन ज़रूर तूफान से आने से पहले का जो असर है वो साफ तौर पर समुद्री तटों पर उसके आसपास देखा जा रहा है, और इसलिए प्रशासन भी यहाँ पर तैनात है, और प्रशासन ने भी आसपास जितने भी रिस्की एरियाज हैं उसे पूरी तरह से खाली कर लिया है।